आप देख रहे हैं 80 लाइव। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर एपी 100 टीवी लाइव न्यूज पर। ब्यूरो चीफ वैभव सोनकर जनपद रायबरेली की खास रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में आयोजित पर्व सम्मेलन में भाग लिया। रायबरेली रिफॉर्म क्लब में आयोजित पर्व सम्मेलन में ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले बकरा काट कर पकाने की विधि सीख रहे थे, जबकि सनातन संस्कृति में हम लोग जीव हत्या नहीं करते। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को उन्होंने सुपर फ्लॉप गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि रायबरेली में सपा गठबंधन डिलेर हो गया है, यहाँ एक तरफा बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस आपस में लड़ी हुई है, उनका यहाँ से लड़ने का मन ही नहीं था, जनता ने उन्हें नकार दिया है। रायबरेली और उत्तर प्रदेश की जनता से उन्हें कोई लेना देना है। भाग है वो उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा, उनके नेतृत्व में रायबरेली लोकसभा का चुनाव हम सब लड़ेंगे, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। चंद बहुमत के साथ जीत रही है, एक तरफा जीत रही है, कांग्रेस बुरी तरह पराजय का सामना रायबरेली में इस बार करेगी। अरे प्रियंका गांधी आए थी, बोली थी अपने बेटे को, आप नीचे आ जाइए। रायबरेली लोकसभा सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिनेश सिंह जी जीत रहे हैं। यहाँ हमने जिस ढंग से जन सैलाब देखा रायबरेली की सड़कों पर, रायबरेली के लोगों का मानना है इस बार कांग्रेस को हम सबक सिखाएंगे। कांग्रेस ने जिस ढंग से राजनीतिक पर्यटन रायबरेली में मना रखा है, केवल पर्यटन करने के लिए लोग आ रहे हैं कांग्रेसी नेता, और कांग्रेस का देश की सांस्कृतिक विरासत से, संस्कृत से, कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। रायबरेली के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाएंगे और दिनेश सिंह जी को जिताएंगे। ये जीत मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, जन जन की जीत है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जीत है। अखिलेश यादव और इनकी जो जोड़ी है तमाम तरह की बातें कर रही है, पूरी तरह से खिलाफ साबित होंगे, जोड़ी कई बार बन चुकी है।